Thank okay. वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम मोटरसाइकिल की टाइमिंग चैन चेंज करना सीखेंगे कि मोटरसाइकिल की टाइमिंग चैन चेंज कैसे की जाती है तो यहाँ पे आपने साउंड इसका सुना है तो ये जो साउंड है ये टाइमिंग चैन का साउंड है ये साउंड क्यों आ रहा है इस साउंड को ख़त्म किस तरह से किया जाएगा और अगर आप टाइमिंग चैन चेंज करते हैं फिर भी साउंड जो है वो ठीक नहीं होता तो वो क्यों नहीं होता आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा और साथ में इसकी लीकेज भी हमने ख़त्म करनी है मैगनेट साइड से ये लीक कर रहा है तो ये इसकी लीकेज भी हमने खत्म करनी है टाइमिंग चैन को चेंज करने के लिए इसके सबसे पहले आपने मैग्नेट कवर खोलना है मैगनेट कवर के तीन बोल्ट होते हैं आठ एम के वो हमने खोलने हैं उसके बाद हमने मैगनेट को खोलना है तो अभी आप देख सकते हैं आठ एम के तीन बोल्ट हम खोल रहे हैं आठ एम की इसको टी लगेगी अगर आप चाहें तो लीवर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं अगर ना भी खोलें तो आपका मैगनेट कवर या फिर भी बाहर निकल जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसके तीनों बोल्ट जब खोल चुके हैं अभी हमने मैग्नेट कवर को इस तरह से बाहर निकाल लेना है मैग्नेट के मैग्नेट कवर के अंदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा लगा हुआ है तो ये कचरा जो है नहीं होना चाहिए इसको हमने बाद में वॉश भी करना है उसके बाद हमने अभी मैगनेट को खोलना है मैगनेट को खोलने के लिए हमने ए, मैगनेट होल्डर का यूज़ करना है और साथ में हमने चौदह नंबर का पाना इस्तेमाल करना है चौदह नंबर के पाने से हम जब इसको घुमाएंगे तो ये इसका चौदह नंबर का नाट जो है वो खुल जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं इसका चौदह नंबर का नाट जो है वो खुल चुका है इसके अंदर की साइड एक वॉशल जो है वो होती है वो भी आपने इस तरह से निकाल लेनी है उसके बाद अभी हमने मैगनेट को बाहर निकालना है मैगनेट को बाहर निकालने के भी दो तरीके होते हैं एक ये तरीका है यह तरीका आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इससे जो है मैगनेट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है हमने जो तरीका इस्तेमाल करना है वो ये है कि हमने इसको पुलर के साथ बाहर निकालना है तो सबसे पहले हम मैग्नेट के अंदर पुलर टाइट करेंगे पुलर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है उसके बाद हमने मैग्नेट को बाहर निकाल लेना है तो अभी आप देख सकते हैं कि पुलर को हम अच्छे तरीके से मैग्नेट के अंदर टाइट कर रहे हैं जब पुलर के अंदर मैग्नेट सॉरी uh, मैग्नेट के अंदर पुलर अच्छी तरह से टाइट हो जाए उसके बाद ही, ही आपने इसको अच्छे तरीके से दूसरा जो सत्रह नंबर की चाबी लगा के खोलना है तो अभी आप देख सकते हैं कि सत्रह नंबर की चाबी लगा के हम इसको जैसे ही टाइट करेंगे तो हमारा मैग्नेट जो है वो बाहर आ जाएगा तो आपके सामने अभी मैग्नेट जो है वो बाहर आ चुका है तो अब देख सकते हैं इसके अंदर की साइड भी जंग लगा हुआ है इस जंग को भी हमने साफ़ करना है और जितना भी इस साइड में काम होगा वो हमने करना लाजमी है तो अब जो है हमने इसके दो स्क्रू खोलने हैं ये क्वाइल प्लेट के दो स्क्रू होते हैं इनको खोलना है इनको खोलने के लिए हम बिट का यूज़ करेंगे पेजकश से जो है वो अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो तो पेजकश से ये खुलते नहीं हैं बहुत मुश्किल होती है अक्सर दोस्त हमें कमेंट भी करते हैं कॉल भी करते हैं कि यार ये जो पेच होते हैं ये खुलते नहीं हैं इनको किस तरह खोला जाता है तो इनको खोलने का यही तरीक़ा है आप बिट लें बिट के ऊपर आप थोड़ा सा चोट लगाएं उसके बाद आप आठ नंबर की टी से इसको जैसे ही घुमाएंगे तो ये बिल्कुल इजीली खुल जाएंगे तो इनको खोलने का सबसे आसान जो तरीका है वो यही है अगर आपके पास हैमर पेच पेजकश है तो वो उससे भी आप खोल सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये कितने आसानी आसान त्रीक, तरीके से खुल चुके हैं लेकिन अगर आप पेजकश से इसको खोलते तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगना था और काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आपको लगानी पड़नी थी तो अब हमने मैग्नेट प्लेट को जो है बाहर की तरफ निकाल लिया है और ये देखें अभी इसकी हमने ये सील भी चेंज करनी है यह गोटें और टाइमिंग चैन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर लूज़ है इस टाइमिंग चैन को चेंज हमने करना है और इस टाइमिंग चैन को चेंज करने के लिए हमने इसकी जो हेड के ऊपर टिक्की लगी हुई है ये वाली इसको हमने खोलना है इस टिक्की को खोलने के लिए इसका दस नंबर का एक बोल्ट होता है जो कि दूसरी साइड पर लगा होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लग के करीब ही लगा होता है इसको हमने खोल लेना है इसको आप दस नंबर की टीराड या एल गोटी या गोटी से भी खोल सकते हैं जो भी चीज़ आपके पास है आप उसके साथ इसको खोल सकते हैं जैसे ही आप इस बोल्ट को खोलेंगे तो टिक्की जो है वो उधर से उतर जाएगी तो ये देखें ये बोल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है अभी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ तो ये इतना लंबा बोल्ट होता है अभी हम जो है इसको वापसी लगा देते हैं इधर ही ताकि हम जब बाद में इसको टाइट करेंगे तो ये देखें ये टिक्की आसानी से बाहर निकल चुकी है इसके अंदर की साइड एक चूड़ी चूड़ी बनी होती है दस नंबर की जो कि इस बोल्ट को बोल्ट जो है उसको पकड़ के रखता है अब जो है हमने टाइमिंग चैन को टाइमिंग चैन वाली जो गरारी है इसको खोलना है इसको खोलने के लिए दो आठ नंबर के बोल्ट लगे होते हैं उनको हमने खोलना है तो ये हमारी गरारी जो है वो खुल जाएगी पहले जो है वो बाइक में तीन बोल्ट आते थे जो कि नौ नंबर के होते हैं नौ एम एम की उनको टी लगती थी अब जो है ये आठ एम एम के बोल्ट लगे हैं तो सी डी हुडा सी डी न्यू मॉडल में आठ एम एम के ही दो बोल्ट आए हैं तो हमने आठ एम एम की टी के साथ ही इनको खोल लेना है तो ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ आठ नंबर की टी से हमने इनको खोल लिया है दोनों बोल्ट को आपने खोल लेना है उसके बाद आपने इस गरारी को बाहर निकालना है गरारी को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो टाइमिंग चैन जो है ऊपर से आजाद हो जाएगी तो अभी जो है हमने करना यह है कि इस गरारी को बाहर निकालना है ये देखें ये गरारी अभी बाहर निकल चुकी है और अब जो है हमने ये छोटी इसकी गोट निकाल लेनी है ये गोट निकालने के बाद हमने इसकी सेंटर वाली गोट भी निकाल लेनी है क्योंकि जब आप सेंटर वाली गोट नहीं निकालेंगे तो टाइमिंग चैन जो है वो बाहर नहीं आएगी सेंटर वाली गोट को निकालने के लिए दस नंबर की टी या आप एल गोटी का यूज़ कर सकते हैं इसको खोल लें बोल्ट को उसके बाद जो है सेंटर वाली गोट जो है वो भी आज़ाद हो जाएगी तो ये देखिए ये बोल्ट कुछ इस टाइप का होता है इसके ऊपर की साइड चूड़ी नहीं होती थोड़ी सी चूड़ी होती है जो कि सिलेंडर के अंदर टाइट हो जाती है अभी जो हमारी ये गोट है इसको हमने इस तरह से बाहर निकाल लेना है और ये गोट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है इसकी ये देखें ये टूटने वाली थी अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है तो इसके ऊपर लाइन सी बनी होती है वो भी नहीं है तो अभी हमने इसकी टाइमिंग चैन भी चेंज करनी है साथ में ये गोटें भी दोनों चेंज कर देनी है तो ये देखें ये टाइमिंग चैन इसकी पुरानी है अभी हम न्यू टाइमिंग चैन जो इसमें लगाएंगे वो इनशाला आपको बताते हैं कौन सी कंपनी की लगानी है अगर आपका बजट है तो आप अटलस हुंडा की टाइमिंग च यूज़ करें अगर बजट नहीं है तो फिर आप कोई और कंपनी आपको बताते हैं तो इसको आपने वाश भी करना है तो अभी आप देख सकते हैं कि हम जो है इसका नीचे की साइड एक चौदह नंबर का बोल्ट लगा होता है वो खोलना है उसके ऊपर एक स्प्रिंग और एक जो है वो पंप सा बना होता है ये लगा होता है इसको टेंशनर राड बोलते हैं तो ये टेंशनर राड भी आपने निकाल लेना है और इसके बाद हमने ये चेक करना है कि इसकी हेड की जो केम है इसके बैरिंग तो नहीं खराब अगर हेड की केम के बैरिंग खराब है तो फिर टाइमिंग चैन जो है वो कभी भी साउंड नहीं छोड़ेगी फिर टाइमिंग चैन जितनी मर्जी बार चेंज कर लें टाइमिंग चैन जो है वो साउंड नहीं छोड़ेगी तो अभी हमने चेक किया है तो इसके हेड की कैम बिल्कुल ओके है इसमें कोई मसला नहीं है और चीज़ें चेक कर लेंगे जो ऑयल पंप वाली गरारी है उसमें तो कोई मसला नहीं है तो यह सील हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है लीकेज कर रही थी काफ़ी ज़्यादा तो इसका ये रिंग भी हमने चेंज कर देना है क्योंकि इस इधर से इसकी काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रही थी और हमने अभी इसको साइड पे किया अभी हम पेट्रोल मार के इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे साफ़ करने के बाद हम जो है इसकी फिटिंग शुरू करते हैं तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपने पेट्रोल मारना है पेट्रोल मार के फिर जो है आप इसको रफ़ ब्रश लगाएंगे जिधर जिधर कचरा हो वो कचरा हटाएंगे उसके बाद हम दोबारा जब इसको पेट्रोल मारेंगे तो ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाएगा तो आपके सामने अभी हम जो है इसको रफ बुरश लगा रहे हैं ताकि जो भी इसके ऊपर कचरा वग़ैरह हो वो उतर जाए और इसके बाद हम जो है पेट्रोल जब मारेंगे तो ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों तो ये देखें अभी जो है आपके सामने हम पेट्रोल मार रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है उसके बाद आपने कपड़े के साथ इसको जो है वो खुश करना है खुश करने के बाद जो है हमने इसके अंदर टाइमिंग चैन जो है वो जो भी हमने लगानी है वो लगाएंगे तो अभी जो है हमने इसको अच्छे तरीके से कोई किसी किस्म का हल्का फुल्का कचरा वगैरह नहीं यहाँ पर छोड़ना क्योंकि यहाँ पे अगर कचरा वगैरह होगा तो टाइमिंग चैन भी बहुत जल्दी आवाज़ कर जाएगी फिर जो है मसला बनेगा ऑयल पंप के अंदर अगर कचरा चला गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा तो इस बाइक में जो हम टाइमिंग चैन यूज़ कर रहे हैं वो क्राउन लफान कंपनी की टाइमिंग चैन है तो क्राउन कंपनी की टाइमिंग चैन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि ये बयासी नंबर की टाइमिंग चैन हम यूज़ कर रहे हैं होंडा सी डी सेवनटी के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें टाइमिंग चैन जो है वो सॉरी होंडा सी डी सेवनटी जो भी बाइक है ना उसके अंदर टाइमिंग चैन जो है वो बयासी नंबर की ही यूज़ होती है और जो चाइना के जितने भी बाइक हैं उनमें चुरासी नंबर की यूज़ होती है होंडा सी डी सेवनटी में बयासी की और चाइना के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें चुरासी की टाइमिंग चैन यूज़ होती है तो अभी आप देख सकते हैं टाइमिंग चैन को हम यहाँ से गुजार रहे हैं और ये अभी आपके सामने हमने टाइमिंग चैन गुज़ारी है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे लगाने के बाद हम जो है इसकी गोटें फिट करेंगे गोटें जो है सबसे पहले हमने बड़ी गोट फिट करनी है फिर छोटी गोट उसके बाद हमने इसकी हेड की जो गरारी होती है वो लगानी होती है तो ये अभी न्यू गोट है इसको हम यहाँ से इंटर करेंगे सिलेंडर के अंदर तो ये टाइमिंग चैन नीचे की तरफ गिर रही थी इसलिए हमने पेचकस यहाँ पे लगाया ताकि टाइमिंग चैन जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे तो ये रबड़ की गोट होती है इसको हमने थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना है तो ये इसके अंदर इंटर हो जाएगी अभी ये इसके अंदर इंटर हो चुकी है दोस्तों अभी हमने इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है और सेंटर में लाने के बाद हमने इसका जो बोल्ट होता है वो टाइट कर देना है और साथ में हमने ये भी चेक करना है कि जो गोट हमने डाली है टाइमिंग चैन जो है इसके ऊपर चल रही है कि नहीं चल रही ये ना हो कि गोट जो है वो साइड पे और टाइमिंग चैन जो है वो साइड पे हो इस तरह होगा तो सिलेंडर के अंदर टाइमिंग चैन जो है वो टकराएगी जिसकी वजह से टाइमिंग चैन का साउंड जो है वो ख़त्म नहीं होगा अक्सर दोस्त मुझे यही कमेंट करते हैं और कॉल भी करते हैं कि यार हमने टैम चैन डाली है तो वो साउंड कर रही है तो वो साउंड करने की वजह यही होती है कि आप लोग एहतियात नहीं करते जिसकी वजह से सिलेंडर के साथ टैम चैन टकरा रही होती है जिसकी वजह से वो साउंड कर रही होती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया ये साउंड क्यों कर रही है अभी हमने न्यू डाली है फिर भी साउंड कर रही है तो वो यही वजह होती है तो ये इसका टेंशनर राड है इसको हम अभी वापस लगा रहे हैं इसकी हमने रबड़ जो है वो चेंज कर दी है क्योंकि पहले वाली रबड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी और इस ये इसका स्प्रिंग है स्प्रिंग को हमने थोड़ा खींच के लगाना है ताकि इसकी जो है वो तट जो है वो बनी रहे अभी हम नीचे की साइड से इसको लगाएंगे बोल्ट चौदह नंबर का ये कुछ इस टाइप का बोल्ट होता है इसको चौदह नंबर के पाने के साथ हम जो है अभी टाइट करते हैं आपके सामने इसको ज़ोर से हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करके लगाना है तो इसकी एक दो चूड़ी गई जब तो फिर आप जो है इसको पाने के साथ जो है वो टाइट कर सकते हैं और अभी दोस्तों आपके सामने हमने इस बोल्ट को टाइट कर दिया है अब हमने इसकी हेड वाली जो गरारी है वो लगानी है उस गरारी को लगाने से पहले हमने इसका मैगनेट लगा लेना है मैगनेट के ऊपर टी का निशान होता है ये टी का निशान जो है इस निशान के बिल्कुल बराबर होना चाहिए जो कि इंजन के ऊपर निशान होता है क्योंकि इसकी टाइमिंग होती है टाइमिंग अगर नहीं करेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा स्टार्टिंग में मसला करेगा मिसिंग करेगा कोई ना कोई मसला ज़रूर करेगा आपने इसकी टाइमिंग जो है वो लाजमी करनी है तो अभी आप देख सकते हैं ये एक निशान है और हेड के ऊपर भी एक सा बना हुआ है ये टक जो है वो हेड के ऊपर जो टक बना होता है और जो ग्रारी के ऊपर निशान बना होता है इन दोनों को आपने आपस में मिलाना है उसके बाद ये आपकी टाइमिंग जो है बिल्कुल ओके होगी अब दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टीकन निशान है इंजन के बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे जो ग्रारी के ऊपर निशान है वो हेड के निशान के बिल्कुल बराबर है तो यही इसकी टाइमिंग होती है इसके अलावा कोई इसकी टाइमिंग नहीं होती आप इस तरह से बाइक में टाइमिंग करेंगे तो इन कभी भी बाइक मिसिंग भी नहीं करेगा कोई स्पीड में फ़र्क नहीं आएगा कोई पेट्रोल एवरेज में फ़र्क नहीं आएगा किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा तो अब हम जो है इसको चेक कर रहे हैं तो हमने देखा कि इसकी टाइमिंग जो है अभी सही नहीं हुई तो अब दोबारा हम चेक कर रहे हैं तो अब हमें हम लग रहा है कि इसकी टाइमिंग बिल्कुल ओके हो चुकी है जैसे ही इसकी टाइमिंग बिल्कुल ओके होगी आपने इसके बोल्ट जो है दोनों लगा देने हैं और साथ में इसके अंदर एक डावल होती है जो डाउन मॉडल आते थे उनमें डावल नहीं होती थी इसमें डावल होती है हमने डावल जो है इसमें लाजमी लगानी है और डावल लगाने के बाद हमने इसके दो आठ एम एम के बोल्ट होते हैं वो लगाने हैं अभी हम जो है इसको बोल्ट के सराख जो है बिल्कुल सीधे कर रहे हैं हेड की केम को हम अंदर से घुमा रहे हैं ताकि जो ग्रारी के सराख हैं वो बोल्ट वाले वो बिल्कुल सामने आ जाएं तो अब जो है हम आठ नंबर के ये बोल्ट दो हैं इनको टाइट कर रहे हैं टाइट करने के बाद हमने फिर चेक करना है कि इसकी टाइमिंग क्या बिल्कुल ओके हुई है या नहीं हुई अगर टाइमिंग इसकी बिल्कुल ओके नहीं होगी तो फिर बाइक मिसिंग करेगी पेट्रोल में पेट्रोल ज़्यादा खाएगी और भी काफ़ी ज़्यादा मसले करेंगी तो हमने ये चीज़ें जो है लाजमी चेक करनी है हाँ अगर टाइमिंग सही ना हो तो बाइक किकें भी बहुत ज़्यादा लेता है यह भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो मुझे कॉल करते हैं कि यार मैंने टाइमिंग चेंज चेंज की उसके बाद बाइक किकें बहुत ज़्यादा ले रहा है तो वो यही वजह होती है आप लोग टॉप पे करके टाइमिंग नहीं करते तो इस वजह से ये मसला बन जाता है तो अब हमने इसकी सीलें लगानी है यह सील जो है अट्ठारह नौ तीस पाँच इसका नंबर है और इसके बाद ये इसका रिंग होता है रिंग लगाना है इसको भी हम क्रोन लफान का रिंग लगा रहे हैं और इस रिंग को लगाने के बाद इसके ऊपर हमने समाध भी लगानी है क्योंकि समाध से ये होता है कि जो इसके ऊपर समाध हम लगाएंगे वो बिल्कुल इसको प्लेट को अंदर जाम कर देगी उसके साथ है इंजन के साथ जोड़ देगी तो ये इसके छोटे छोटे दो रिंग होते हैं ये भी हमने लगा देने हैं और स्मार्ट बॉन्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे हो सिलिकॉन आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करनी सिर्फ़ स्मार्ट बॉन्ड का ही आपने यूज़ करना है पूरे इंजन में हमेशा मैं तो स्मार्ट बॉन्ड का ही यूज़ करता हूँ कभी भी सिलिकॉन जो है वो यूज़ नहीं की क्योंकि सिलिकॉन के अंदर जो है वो ज़र्रे होते हैं वो ज़रे जब इंजन में जाते हैं तो फिर जो है इंजन को डैमेज कर देते हैं स्मार्ट बाउंड के कोई भी ज़रूर जो है इंजन के अंदर नहीं जाते और ना ही कोई मसला बनता है अब हमने इसकी क्वेल प्लेट जो है इस तरह वापस लगा देनी है क्वेल प्लेट को लगाने के बाद इसके दो स्क्रू जो हमने खोले थे बिट के साथ उनको हमने टाइट कर देना है अब कॉल प्लेट जो है इसको बिठाने के लिए हम जो है हल्की हल्की सी चोट लगा रहे हैं ताकि कोईल प्लेट जो है अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाए क्योंकि आप अच्छे तरीके से इसको बिठा के उसके बाद स्क्रू लगाएंगे तो इसमें कोई भी मसला नहीं बनेगा अगर आप इसको इस तरह डायरेक्ट बोल्ट लगाएंगे तो कोईल प्लेट जो है एक साइड से टेढ़ी हो जाएगी फिर जो है वो लीकेज का मसला करेगी इससे जो है कोईल प्लेट टूट भी सकती है और बाइक जो मैग्नेट है वो साउंड भी कर सकता है तो आपने बिल्कुल इसको एहतियात के साथ फिट करना है अच्छे तरीके से बैठा के उसके बाद ही आपने इसके स्क्रू लगाने हैं अब जो हमने है हमने स्क्रू लगाया उसके बाद हम इसको ये देख सकते हैं पेचकश के साथ हम इसके स्क्रू लगा रहे हैं इनको हमने पेचकश से अच्छे तरीके से टाइट करना है उसके बाद हमने बिट के साथ भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करना है ताकि जो भी इस आ, हल्की फुल्की सी लीकेज हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए हाँ अगर आपके पास बिट नहीं है तो आपने परेशान हो, नहीं होना आप इसको पेचक से ही टाइट कर देंगे तो ये लीकेज नहीं करेगी अच्छे तरीके से बस समाध लगा के इसको फिट कर देंगे तो इन ये कभी भी लीकेज नहीं करेगी तो अब हमने इसका मैगनेट लगाना है मैगनेट के अंदर ये एक काट सा होता है ये कट जो है काटर के ऊपर आना चाहिए और उसके बाद आपने मैग्नेट को अच्छे तरीके से बैठा लेना है उसके बाद हमने इसकी ये एक वाशल होती है ये वाशल लगानी है यह वाशल इस वजह से होती है ताकि जो इसका बोल्ट है सॉरी नट है ये ना खुले क्योंकि ये वाशल नहीं लगाएंगे तो वाइब्रेशन से नट जो है वो खुल भी सकता है तो बेहतर यही है कि आप ये वाशल जो है वो लाजमी लगाएँ तो काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी तो काफ़ी दोस्त जो है व... कॉल कर रहे थे कि यार क्यों नहीं वीडियो आ रही तो थो। थोड़ी मसरूफियत की वजह से जो है वीडियो नहीं आ रही थी इन शाला आप जो है रेगुलर वीडियोज़ भी आएंगी और ये आपके सामने हमने मैगनेट को टायर कर दिया है उसके बाद हमने इसकी मैगनेट की सॉरी हेड की टिक्की लगानी है टिक्की लगाने के बाद जो है इसका मैगनेट कवर लगाना है इस इंजन के अंदर आयल डालना है ऑयल डालने के बाद जो है हमने बाइक को स्टार्ट करके चेक करना है कि साउंड के अंदर कितना फ़र्क पड़ा है तो दोस्तों इस बाइक में आप हैरान हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही साउंड में फ़र्क पड़ा है बाइक का साउंड जब बिल्कुल साउंड लेस हो गया है पहले जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई ट्रैक्टर स्टार्ट है तो अब जो है बिल्कुल कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं है इस इंजन के अंदर जो इंजन की मेन साउंड होती है वही इसकी साउंड है तो अभी अब आप मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ कि इसकी साउंड किस तरह की हुई है तो ये जेन हमने टाइमिंग चैन यूज़ नहीं की फिर भी इसकी साउंड जो है बिल्कुल बेहतरीन होगी क्योंकि जो क्रोन लफान कंपनी है इसकी टाइमिंग चैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिस भी बाइक में आप डालेंगे तो वो साउंड नहीं करेगी इसकी मैं गारंटी देता हूँ तो अभी ये इसका मैगनेट कवर है इसको भी हमने साफ़ सुथरा करके यहाँ पर लगा देना है इसके तीन बोल्ट होते हैं आठ एम एम के वही हमने दोबारा इसको यहाँ पर फिट कर देने हैं तो यही होता है तरीका टाइमिंग चैन चेंज करने का अगर आप इस तरीके से टाइमिंग चैन चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी टाइमिंग चैन जो है वो साउंड नहीं करेगी तो अब जो है हमने एक बार इसके मैग्नेट कवर को लगाना है उसके बाद आयल डाल के इसका साउंड चेक करते हैं कि इसका साउंड जो है वो कितना फ़र्क पड़ा है पहले बाइक का साउंड किस तरह का था अब किस तरह का साउंड है आपने याद रखना है पहले वाले साउंड को और अब वाले साउंड को देखना है कि इसके अंदर कंपेयर करना है कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है तो इन बोल्ट को हमने अच्छे तरीके से टाइट करना है उसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ये बोल्ट अभी टाइट हो रहे हैं इनको हमने तीनों को बराबर बराबर टाइट करना है तो ऊपर से हम इसको थोड़ा कपड़ा लगा लेंगे ताकि जो भी आयल वगैरह लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए काम जो है वो अच्छा लगे और अब जो है हम बाइक को करने लगे हैं स्टार्ट और स्टार्ट करके आपको साउंड चेक करवाते हैं साउंड किस तरह का है तो अभी आप देख सकते हैं कि बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है आपके सामने और इसका साउंड अभी आपको चेक कर तो दिखाते हैं तो अभी आप इसका साउंड चेक करना तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़